वेलकम टू अरहान इन। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज मैंने कुछ ऐसी थ्रिलर मूवीज लेकर आया जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे और आप लोग यही सोचोगे कि इस तरह की मूवी भी वाकई में है, क्योंकि अगर है तो हम लोग ने आज तक देखी क्यों नहीं। तो ये सारी की सारी जो आप लोग के दिल में जो सवाल जग रहे होंगे, सारे के सारे सवाल के जवाब अभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में जब आप लोग को जो जो मूवीज पसंद आएगी उस मूवी का लिंक भी मैं आपको दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे कमेंट करके बोलना है कि भाई मुझे इस मूवी का लिंक चाहिए, तो वो मूवी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो मूवी का लिंक कहाँ दूंगा वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दें। और हाँ, जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप हमारे इस वीडियो को मैक्सिमम 5 कॉन्टैक्ट्स में आपके सेंड जरूर करना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर है ग्रीन रूम। 2015 में आई ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेरेमी सोलनियर ने। इसमें हमें नज़र आते हैं एंटोन येलचिन, इमोगन पॉट्स और पैट्रिक स्टीवर्ट। कहानी शुरू होती कुछ लोगों से जो एक म्यूजिकल बैंड का हिस्सा है। नियोनाजी सिख हैंड बार में उनको शो का ऑफर आता है। जैसे वो लोग शो ख़त्म करते हैं, बैंड का एक मेंबर पैट ग्रीन रूम जाता है उसके दोस्त सैम का फ़ोन लेने, पर वहाँ उसे एक लड़की की लाश दिखती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये उन हॉरर थ्रिलर मूवीज़ में से है जिसे बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी का अवार्ड भी मिल चुका है। 9वें नंबर पर है बेबी ड्राइवर। 2017 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है एडगर राइट ने। इसमें हमें नज़र आते हैं एंसेल एल्गॉट और ईजा गोंजालिस मेन लीड में। कहानी शुरू होती है बेबी यानी एंसेल एल्गॉट से, जो एक बेहतरीन गेटवे ड्राइवर है। वो काम करता है डॉग के लिए। डॉग एक चोर है। डॉग के साथ बेबी ने बहुत सारी रॉबरी किया है, लेकिन बेबी अब ये सब छोड़ना चाहता है और नई सिरे से अपनी लाइफ अपनी गर्लफ्रेंड डेबोरा के साथ शुरू करना चाहता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। और इसके आगे कहानी में क्या ट्रिल और रोमांच है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आप लोग से इतना ही बताऊंगा कि बेबी ड्राइवर देखकर आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। 8वें नंबर पर है सर्चिंग। 2018 में आई ये एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अनीस चगंटी ने। मूवी की कहानी शुरू होती है डेविड से। डेविड का रोल प्ले किया है जॉन चू ने। डेविड की 16 ईयर्स की बेटी एक दिन मिसिंग हो जाती है। डेविड इस केस को एक डिटेक्टिव को भी देता है, पर 37 आवर्स होने के बाद डेविड डिसाइड करता है, आजकल सारे लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी डे टू डे लाइफ की जानकारी देते हैं, तो शायद वहां से कुछ पता चल जाए। फिर उसके बाद क्या होता है इस मूवी में जानकर आप इम्प्रेस हो जाओगे। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर मूवी है। अगर आप देखना चाहो तो आप इसे देख सकते हो। 7वें नंबर पर है द गिफ्ट। 2015 में आई ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जॉल एडगर्टन ने। फिल्म में हमें जेसन बेटमैन और रेबेका हॉल नज़र आते हैं। कहानी शुरू होती है एक मैरिड कपल सेमन और रॉबिन से। शादी के बाद दोनों कपल की लाइफ में सब नॉर्मल था, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उनकी लाइफ बदल जाती है। अब ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि गिफ्ट देखकर लोग खुश तो होते हैं, पर यह मूवी देखने के बाद गिफ्ट के नाम से भी डर लगेगा। 6वें नंबर पर है विंड रिवर। 2017 में आई ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है टेलर सेरिडन ने। इस मूवी में जेरेमी रेनर और एलिजाबेथ ओल्सन मेन लीड में नज़र आते हैं। कहानी शुरू होती एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर कैरी लैम्बर्ट से, जिसको एक 18 ईयर्स की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ एंट्री होती है एफबीआई एजेंट जेन की। आगे कॉरी और जेन कैसे इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हैं ये जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा जाओगे। तो यार ये मूवी को आप मिस बिल्कुल ना करें। 5वें नंबर पर है ब्रिज ऑफ स्पेस। 2015 में आई एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसमें रोमांच देखने को मिलेगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया स्टीवन स्पिलबर्ग ने। इसमें हमें टॉम हैंक्स, मार्क रेलेंस, एमी वैन और एलन अल्डा नज़र आते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कोल्ड वॉर के टाइम पे। कहानी है एक लॉयर जिसका नाम है जेम्स बी डोनोवैक। एक केस के लिए जेम्स को फिर से बुलाया जाता है। अब वो केस कैसे उनकी ज़िंदगी का सबसे पेचीदा केस बन जाता है ये जानने के लिए आप मूवी ज़रूर देखें। और हाँ, टॉम हैंक्स का परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेगा। 4वें नंबर पर है द गुड लायर। 2019 में आई ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बिल कॉन्डॉन ने। ये मूवी बेस्ड है एक नॉवेल पे जिसे लिखा था निकोलस शर्ली ने।
कहानी शुरू होती है कौन आर्टिस्ट रॉय से, जिसकी मुलाकात ऑनलाइन साइट पर होती है बेटी से। बेटी अपना घर, अपना सब कुछ एक खुली किताब की तरह रॉय के सामने रख देती है। रॉय और बेटी के ज़िंदगी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखें। ऐसा थ्रिल आपने किसी और मूवी में नहीं देखा होगा। तीसरी मूवी है द अकाउंटेंट। 2016 में आई ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है गेविन ओ कॉनर ने। इस मूवी में हमें बेन एफ्लेक, एना कैंड्रिक, जेके सिमोंस मेन लीड में नज़र आते हैं। कहानी शुरू होती है क्रिस्टन वुल्फ से, जो एक अकाउंटेंट है, मगर ये कोई साधारण अकाउंटेंट नहीं होते हैं। उन्हें हायर किया जाता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाने के लिए। आप कहोगे एक अकाउंटेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का कैसे पता लगाएगा, यही तो ट्रिल है। जब ये मूवी देखोगे आप सब समझ जाओगे। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अ सिंपल फेवर। 2018 में आई ये एक अमेरिकन कॉमेडी ट्रिलर फिल्म है, इसे डायरेक्ट किया है पॉल फेज ने। इसमें हमें एना कैंड्रिक, ब्लेक लिवली, हेनरी गोल्डिंग, एंड्रयू रेनल्स, लिंडा कार्डिनल्स नज़र आते हैं। मूवी दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, स्टेफनी स्मूथर्स जो एक लोकल व्लॉगर है और साथ ही साथ वो एक मॉम भी है। एमिली नेल्सन और स्टेफनी बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एमिली की लाइफस्टाइल स्टेफनी को बहुत अच्छी लगती है और वो भी उसी तरह से रहने लगती है, लेकिन यही लाइफस्टाइल आगे चल के स्टेफनी की लाइफ कैसा हेल बनाती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है नॉकचर्नल एनिमल्स। 2016 में आई ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है टॉम फोर्ड ने। ये मूवी 1993 में आई एक नॉवेल टोनी एंड सुजैन पर बेस्ड है। इसमें हमें एमी एडम्स, जेक गेलेनहल, माइकल शेनॉन लीड रोल में नज़र आते हैं। कहानी शुरू होती है सुजैन से, जो एक आर्ट गैलरी की ओनर है, जो एक नई नॉवेल पढ़ती है जिसके उसके एक्स हस्बैंड ने ही लिखा था। उसके बाद ऐसा क्या होता है जिसे जानकर सुजैन की रातों की नींद हराम हो जाती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो ये तो था पार्ट वन हमारे पास कुछ कलेक्शन मूवीज़ का। अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी फिल्म अच्छी लगी हो तो वो फिल्म आपको देखनी है, तो उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाइए आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी की सारी मैं मूवीज़ दे दूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी मूवी इसमें से देखनी है, तो मैं उसका लिंक वहाँ पर ज़रूर सेंड करूँगा। और हाँ, अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।